बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्लास सेवेंथ, यूनिट थ्री, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट एंड एनिमल्स। आज हम अपने एक्सरसाइजेस की तरफ चलते हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। पेज नंबर 26, एक्सरसाइजेस। आइडेंटिफाई द वेसल्स दैट कैरी ब्लड। वेसल्स हमें दिए गए हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है के ये लोग ब्लड को कैसे कैरी करते हैं। अवे फ्रॉम द हार्ट टू द हार्ट, जो वन पार्ट है वो ब्लड को बॉडी तक पहुंचाता है और जो दूसरा पार्ट है वो ब्लड बॉडी से आके आता है। तो आप लोगों ने डायग्राम को लेबल करना है और बस इसी तरह आंसर में लिखने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हार्ट मेड अप ऑफ। द हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। व्हाट स्टॉप्स ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड थ्रू द हार्ट। शॉर्ट आंसर है, आपने व्हाट को काट के लिखना है, वॉल्व्स स्टॉप ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड थ्रू द हार्ट। व्हाट इज अ हार्ट बीट, हार्ट बीट डिफाइन करनी है। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर पेज नंबर 21, कंप्लीट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ मेनी टाइम्स डज द हार्ट नॉर्मली बीट। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर पेज नंबर 20, द हार्ट नॉर्मली बीट्स अबाउट 70 टाइम्स इन अ मिनट। क्वेश्चन नंबर डी, हाउ मेनी टाइम्स डज द हार्ट नॉर्मली बीट, हम लोगों ने कर लिया। अब ई की तरफ चलते हैं, व्हाट इज अ कैपिलरी। कैपिलरी का आंसर आप लोगों को समरी में मिलेंगे, पेज नंबर 25। कैपिलरीज आर थिन वेल्ड ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट एन आर्टरी एंड अ वेन इनसाइड एन ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास कंप्लीट हो गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं कि स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक्टिविटी, स्लीपिंग, ईटिंग एंड वॉकिंग, पल्स रेट और ब्रीथिंग के बारे में बताया जा रहा है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा पल्स रेट 60% है और जब हम ब्रीथ कर रहे हैं तो हमारा पल्स रेट जब हम सो रहे हैं तो हमारी ब्रीथिंग 8% है। ईटिंग 70% पल्स रेट और जब हम ब्रीथ ले रहे हैं उस दौरान 17%। वॉकिंग 90% पल्स रेट और 23% ब्रीथिंग रेट चलने के दौरान। तो सवाल किया गया है कि व्हाई इज़ द ब्रीथिंग रेट डिफरेंट फ्रॉम ईच एक्टिविटीज। द आंसर इज बिकॉज एनर्जी रिक्वायर्ड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। व्हाई इज द पल्स रेट डिफरेंट फ्रॉम ईच एक्टिविटी, बिकॉज पल्स इज रिलेटेड विद द ब्रीथिंग, यानी कि बीटिंग ऑफ द हार्ट। व्हाट वुड द पल्स रेट एंड ब्रीथिंग रेट बी आफ्टर विगोरियस एक्टिविटी। इट वुड बी फास्ट आफ्टर विगोरियस एक्टिविटी। व्हाट इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट इन फ्लावरिंग प्लांट, इनका मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, वाटर एंड जाइलम। इन मेमल्स, वेंस एंड ब्लड। क्वेश्चन नंबर फाइव है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वॉल्व बिटवीन द आर्ट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स। वॉल्व्स आर प्रेजेंट बिटवीन आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स विच प्रिवेंट बैड फ्लो ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ डू सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम द ब्लड टू द बॉडी सेल्स। सब्सटेंसेस आर सेंट टू द ब्लड एंड थ्रू ब्लड इट डिफ्यूजेस इनटू अ बॉडी सेल। क्वेश्चन नंबर सेवन, हाउ इज वाटर लॉस फ्रॉम अ प्लांट। By the process of evaporation, water loss from a plant. What is the importance of transpiration for a plant? Question number 8 ka answer. Question number 8 ka answer, page number 24. The importance of transpiration in plants. The transpiration stream is important because it carries water and mineral from the soil to the leaves. Se lekar keeps them cool in a hot weather.
क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन. इन सब के दरमियान आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना एन एंट्री एंड अ वैन. इसका आंसर आप लोग पेज नंबर 25 समरी में देखें. आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वैंस कैरी ब्लड टू द हार्ट. जाइलम एंड फोलियम में क्या फ़र्क है, पेज नंबर 22 पे आ जाएं. Xylem is a tissue which is made up of tubes called xylem vessels. Phloem is a tissue which is made up of long cells. यहाँ तक है. Next question है photosynthesis and respiration. Photosynthesis का answer आप लोग लेके. Photosynthesis is the process where the leaf manufactures food for the plant. Respiration is the process by which food is broken down as oxidized in the body to release energy. Transpiration and circulation. Circulation का आंसर आप लोग लिखिए. Movement of the blood through the heart and blood vessels through the body. And transpiration का आंसर आप लोग पेज नंबर 25. Transpiration in plants take place through a system of tubes called vascular tissue. उसके साथ ही आप लोग लिखे the evaporation of water through the leaf of a plant is called transpiration. Next question है a root hair and a capillary. Capillary का answer आप लोगों ने summary से करनी है. Capillaries are thin walled blood vessels which connect an artery and a vein inside an organ. Root hair पेज नंबर 22. रूट हेयर विच अकर्स इन अ स्मॉल जोन अ शॉर्ट डिस्टेंस बिहाइंड द रूट टिप तक. सो क्लास 7th आप लोगों के एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गए हैं. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह यूनिट नंबर 4 की तरफ चलेंगे. आप लोग सारे एक्सरसाइजेस अपनी नीट कॉपियों पे काम करें और डायग्राम भी बनाएं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.